मैं कहूंगी राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है, ये हम और आप सब लोग जानते हैं। पर मैं कहूंगी कि एज अ कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है उसके बिहाफ पे कि आज एक बार फिर जरूरत है। जिस तरह से बीजेपी देश को चलाना चाह रही है, जितनी छोटी पार्टियां हैं वो एकजुट होकर एक बड़ी पार्टी, मैं कहूंगी कांग्रेस का साथ दें और एक मजबूत मजबूत गठबंधन के साथ हम लोग बीजेपी का सामना कर सके। उपेंद्र कुशवाहा जी ने एटलीस्ट जो किया, एक छोटी पार्टी से एक बड़ी पार्टी में आए, 3 महीने पहले वो उनको गालियां दे रहे थे, पर मैं आप तो कहूंगी कि जदयू को भी अगर वो आने वाले कल में वो भी कुछ भी कर सकते हैं ऐसा एहसास हो रहा है, तो उनको भी सोचना चाहिए कि आने वाले कल के लिए उनको बीजेपी का साथ देना है कि नहीं। और आखिर जो सत्ताधारी सेंट्रल में जिस तरह से तानाशाही की तरह सरकार चला रहे हैं, तो उसके खिलाफ हम लोग को मजबूती से एकजुट तो होना पड़ेगा और मुझे लगता है जदयू को भी सोचना पड़ेगा। क्या जेडीयू के साथ आना चाहिए, यूपीए का हिस्सा बनना चाहिए? देखिए ये उनकी सोच होगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि आने वाले कल में जो हालात पैदा हो रहे हैं देश के, उसके लिए तमाम पार्टियों को एक सूत्र में बन के, आप सेंट्रल में किसको देखते हैं आमने सामने, बीजेपी और कांग्रेस को, तो मुझे लगता है सबको एक सूत्र में बन के बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में आना पड़ेगा। दूसरा ये कि 5 राज्यपाल बड़े सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता जी रहेंगी, असम सिर्फ बीजेपी जीतेगी, बाकी सभी राज्य हारेगी। तो असम में कांग्रेस अलायंस भी इस बार अपना दावा कर रही है। शरद जी बहुत सीनियर और पुराने नेता हैं, ये उनका अपना आकलन होगा और बड़े सारे आकलन आते हैं चुनाव से पहले, और जब रिजल्ट आता है तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। मैं कहूंगी कि बीजेपी असम में भी आए ना आए, लेकिन मैं कहूंगी कि कांग्रेस मजबूती से काम कर रही है और रिजल्ट आने के बाद असलियत समझ में आएगी आपको। लेकिन देखिए आप जो बंगाल को लेकर इस बार कई सारी बातें कही जा रही है, आज अमित शाह जी ने कहा कि बंगाल में बीजेपी 200 सीटें जीतने जा रही है। देखिए वो तो हर बार चुनाव से पहले इस तरह की बातें करते हैं और बहुत जगह पे उनको जब रिजल्ट आया तो असलियत सामने आई है। तो मैं निश्चित तौर से कहूंगी कि जिस तरह बंगाल में जाकर आप कॉम्युनल बातें कर रहे हैं और एक ही एजेंडा लेके जो चल रहे हैं, हिंदू मुसलमान का लेके चल रहे हैं, मुझे लगता है कि वो एजेंडा अब आपका फेलियर की तरफ जा रहा है। अब सिर्फ बंगाल नहीं, हर स्टेट इस बात को समझ गया है कि जब भी लोग रोजगार, बेरोजगारी और महंगाई की बात करते हैं तो आप अपने एजेंडे से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। उसी एजेंडे पे अभी भी बात को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि क्या राहुल गांधी अजमल बदरुद्दीन के साथ मिलकर असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोक देंगे। उन्होंने कहा कि तरुण गोगोई 15 साल मुख्यमंत्री रहे, वो कभी AIUDF अजमल बदरुद्दीन से अलायंस नहीं किया, राहुल गांधी ने अलायंस किया है, ये असम के लिए ठीक नहीं। तो राजनाथ साहब ये बात जनता को बताने के लिए भाषण दे रहे हैं, क्योंकि अभी चुनाव है। तो अगर आप में हिम्मत है और आप एक मादा रखते हैं कि आपको 7वां साल सेंट्रल में हो रहा है और आप अच्छा कर रहे हैं, असम में अच्छा कर रहे हैं, तो कहिए ना आपने कितनों को नौकरियां दी, कितनों की बेरोजगारी को नौकरी में तब्दील किया, कहिए ना कि आप पेट्रोल और डीजल का दाम घटाने वाले हैं या स्टेट में सरकार आएगी तो घटाएंगे। लोग अब ये सुनना चाहते हैं, राहुल गांधी जी किससे अलायंस कर रहे हैं, लोग समझ के देंगे ना वोट, पर आपको बताने की क्या जरूरत है? आपको तो बताना है कि आप महंगाई कैसे कम करेंगे। तो सामने है कि वो असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। ABP News आपको रखे आगे।